नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो हम बात करेंगे बिरला टायर्स, यस बैंक, आलोक इंडस्ट्री, 3i इन्फोटेक, जेनिथ हेल्थ केयर, बायफ्यूल केमिकल, जेनिथ कंप्यूटर और एलसीड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इन सारे शेयर्स के बारे में बात करेंगे। इन शेयर्स में आपको कब बाय करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे कमेंट्स आते हैं। जैसे बिरला टायर्स काफी सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं, 43 रुपीज के प्राइस पर। हमारे कई सारे व्यूवर्स ने कमेंट किया 41 रुपीज पर और निकलने का मौका भी नहीं दे रहा है ये स्टॉक। तो दोस्तों इस तरह के स्टॉक में आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चार्ट देख लीजिए दोस्तों, इसमें जो गेम है देखते हैं। स्टॉक एक वन साइडेड जब अपर ऊपर जाता है तो अपर सर्किट के साथ ऊपर जाता है, और यहाँ पर देख सकते हैं जब ये गिरावट आया है तो इसमें लगातार लोअर सर्किट के साथ यहाँ पर हाई जो बनाया था पहले 48 रुपीज, वहां से गिरावट आया तो वन साइडेड 19 रुपीज 30 पैसा तक, और बीच में कहीं भी निकलने का मौका आपको नहीं दिया। तो ऐसे स्टॉक से आपको हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए। जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अच्छे स्टॉक्स है आपको बताते रहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना है। ये स्टॉक में मोमेंटम आएगा जब तो आपको अच्छे रिटर्न प्राप्त होंगे। इस तरह के स्टॉक पे आप इन्वेस्ट करने से बचे, क्योंकि दोस्तों इस तरह के स्टॉक पे अगर आप हायर प्राइस पर फंस जाते हैं तो फिर निकलने का मौका आपको दोबारा नहीं देगा। जैसे 48 रुपीज पर जो भी ट्रैप हुए हैं उसे अभी तक मौका नहीं मिला, क्योंकि ये स्टॉक अब की बार ऊपर गया तो 43 रुपीज तक ही गया, और 43 रुपीज से फिर से देखते हैं इसमें लगातार लोअर सर्किट। जिस दिन ये 43 रुपीज का मतलब हायर प्राइस बनाया यहाँ पर दूसरी बार, उसी दिन ये फिर से लोअर सर्किट भी हिट किया, और जो भी उस दिन यहाँ पर बाइंग किए, जो भी इन्वेस्ट किए, वो सारे के सारे ट्रैप हो चुके हैं। और कई सारे लोगों ने कमेंट किया इसमें हम क्या करें, इसमें अभी आपको जो है वेट एंड वॉच करना चाहिए। आपको पहले ही जैसे 43 रुपीज पे अपना स्टॉप लॉस निर्धारित कर लेना चाहिए कि आप कितना का लॉस ले सकते हैं, उस प्राइस पर आपको एग्जिट कर जाना चाहिए था। आप एग्जिट नहीं किए तो लोअर सर्किट को ओपन कर लीजिए, तभी आप एग्जिट कर सकते हैं। और ऐसे स्टॉक में हमेशा मतलब ऐसे स्टॉक को अवॉइड करें, और अगर कभी इन्वेस्ट करना ही है तो आप इसमें 100 रुपया 500 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी लोअर प्राइस पर, कभी भी हायर प्राइस रेंज पे आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। और दूसरा है हमारा यस बैंक। यस बैंक में बहुत सारे न्यूज आते हैं कि यस बैंक जो है 40 रुपीज तक जाएगा। यस बैंक में आज 18 करोड़ शेयर हुआ, आज 20 लाख शेयर्स बाइंग हुआ। तो दोस्तों इस तरह के शेयर्स बाइंग होते रहेंगे, लेकिन स्टॉक जो है जब फंडामेंटल काफी सुधर जाएगा इस तरह के स्टॉक्स का, तभी इसमें मोमेंटम आपको परमानेंट रूप से देखने मिलेगा। तो लगातार धीरे धीरे स्टॉक का फंडामेंटल जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, तो वैसे वैसे आप इसमें मोमेंटम का इंतजार कर सकते हैं कि अगर कंपनी का फंडामेंटल्स काफी अच्छे हो जाते हैं तो निश्चित है इसमें आपको तेजी देखने मिलेगा। अभी जो स्टॉक का प्राइस है देखते हैं 70 रुपीज 60 पैसा, और ये हाई बनाया था अप्रॉक्स 21 रुपीज के आसपास, और 21 रुपीज से इसमें थोड़ी सी गिरावट हुई है और करेक्शन हुआ है। तो अभी आप इसमें चाहे तो SIP मोड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको 1000 रुपीज इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप 100 रुपीज अभी इन्वेस्ट करें और वेट करें कि प्राइस में करेक्शन होता है या इसमें मोमेंटम आता है। तो इस तरह से आप छोटे अमाउंट ही इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करें। अगर आपका स्टॉक चलता है तो आपको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके देगा, फिर जो क्रिएट होगा वेल्थ उससे आप दूसरे पैनी स्टॉक में आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह के स्टॉक छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करें। अगर यस बैंक में इन्वेस्ट करना था तो जब 12 रुपीज पे इसका OFS आया था और 12 रुपीज पे शेयर का प्राइस भी आया था, वहाँ पर आप चाहते तो इन्वेस्ट कर सकते थे। वहाँ पर मैंने वीडियो बना करके आपको बताया था कि बेस्ट प्राइस है कि उस पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यस बैंक में अभी आप जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आप थोड़े थोड़े अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करते जाए हर प्राइस पर, मतलब अगर प्राइस ऊपर जाता है तो ऊपर करेंगे, अगर ये 25 रुपीज के ऊपर निकलता है तो फिर अच्छा खासा ये मोमेंटम वहां से दिखा सकता है। यहाँ पर आप चार्ट पे भी देखें, ये लगातार पहले जो इसका प्राइस का रेंज था यहाँ पर देखते हैं 25 रुपीज 30 रुपीज, तो इस प्राइस रेंज से ऊपर जाता है तो एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की ओर आ सकता है। इसलिए हम लोग इस लेवल्स का वेट कर रहे हैं। इस लेवल्स को जब भी ऊपर की ओर ब्रेक करता है इस रेसिस्टेंस को, एक बड़ा मोमेंटम वहां से हमें देखने मिल सकता है इस बैंक में। उसके बाद जो हमारा अगला स्टॉक है आलोक इंडस्ट्री, आलोक इंडस्ट्री करेंट प्राइस है 21 रुपीज 40 पैसा। इसमें भी बहुत सारे लोग ट्रैप हुए हैं हायर प्राइस पर। ये स्टॉक जब रिलिस्ट हुआ तो वहां पर ये 20 रुपीज के आसपास रिलिस्ट हुआ, वहां से ये लो बनाया था उस पैंडेमिक में गिरावट में लगभग 4 रुपीज 30 पैसा का, और वहां से वन साइड मोमेंटम ये दिखाया 50
रुपीज से एवब का, और वहाँ पर जो भी लोग ट्रैप हुए आज तक उसे निकलने का दोबारा मौका नहीं मिला है। तो इस तरह से हम बार बार अपने चैनल पर अपने इन्वेस्टर को जागरूक करते रहते हैं कि इस तरह के स्टॉक में कभी भी हायर प्राइस पे आपको ट्रैप नहीं होना है, और इस तरह के स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो आपको नीचे के प्राइस पर, जब ये स्टॉक नीचे के प्राइस पर आता है तो वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे अभी आप देखते हैं इस प्राइस पर लगातार ये कंसोलिडेट हो रहा है, इस प्राइस में देखते हैं लगातार कंसोलिडेट, और नीचे नीचे शेयर का प्राइस नीचे ही आ रहा है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है, तो आप नीचे के प्राइस पर इसमें छोटे से अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमने इसमें 4 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया है, 5 लाख कर दिया है। तो दोस्तों ऐसे बड़े अमाउंट आप फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, आपको काफ़ी बार हम बताए हैं, आप इन्फोसिस में, डीमार्ट में, आप HUL में, इन सब कंपनियों में, कोलगेट में, डाबर में, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो नए लोग हैं, बिगनर्स लोग हैं, इस तरह के लोग जब आते हैं स्टॉक मार्केट, उन्हें फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसमें ही इन्वेस्ट करनी चाहिए, ना कि ऐसे छोटे छोटे स्टॉक में। छोटे शेयर प्राइस देख करके आप इसके तरफ अट्रैक्ट ना हो, कि बल्कि आप एक ही शेयर बाय करें, 5 ही शेयर, 10 ही शेयर बाय करें, लेकिन फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग शेयर है उसमें बाइंग करें, उसमें इन्वेस्ट करें। तो ये आपका अभी जो करेंट प्राइस है, यहाँ से लगातार ये नीचे जा रहा है शेयर, तो आप इसको और ज़्यादा कंसोलिडेट होने दें, थोड़ा गिरावट आने दें, तो आप इसमें छोटे छोटे अमाउंट से या SIP मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको 100 शेयर इन्वेस्ट करना है तो आप 10 के ग्रुप में 10 बार इसमें खरीदारी करेंगे, अगर नीचे आता है तो नीचे के प्राइस में करेंगे। अगला हमारा स्टॉक है 3i इन्फोटेक। 3i इन्फोटेक अभी जो न्यूज़ आया है, करेंट न्यूज़ दोस्तों, इसके अनुसार इस कंपनी को नए प्रमोटर्स जो है, नए मतलब इन्वेस्टर जो वो ओवरटेक कर रहा है। जो यूएस्ट बेस्ड कई सारी फाइनेंस कंपनी, कई सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो इसे ओवरटेक कर रहा है। तो इसमें काफ़ी तेजी आया है उस न्यूज़ के कारण, और स्टॉक का जो फंडामेंटल्स है उसमें भी काफ़ी सुधार आया है। जो कंपनी का रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, उसमें भी सुधार आया है। तो ये स्टॉक में चाहे तो आप छोटा अमाउंट मेरी तरफ से आपको कहेंगे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और देख सकते हैं कैसा रिटर्न आपको मिलता है। ये स्टॉक अपना लो बनाया था, देखते हैं 1.25 रुपीज़ का, और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इसमें मूवमेंटम देखने मिला है, जब से खास करके ये न्यूज़ आया है कि इस कंपनी को जो नए मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो इसे ओवरटेक करने जा रही है। और ये जो कंपनी शुरुआत की गई थी ICICI बैंक के द्वारा, और बैंकिंग सेक्टर में, ये बैंकिंग सेक्टर की IT कंपनी है, मतलब बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड इसे शुरुआत किया गया था। तो आप चाहें तो इसमें थोड़े से अमाउंट के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि आगे इस कंपनी में क्या होता। अगर नए प्रमोटर्स इस कंपनी को मिलता है तो निश्चित है कंपनी अच्छा खासा अपने बिजनेस में कर सकती है। साथ ही कंपनी का फंडामेंटल्स भी काफ़ी बेहतरीन हुआ इधर, तो किसी वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। अगला है हमारा जेनिथ हेल्थ केयर। इस पर भी कई सारे लोग अभी मतलब इन्वेस्ट करने के सोच रहे हैं, कि कंपनी में जो फार्मा सेक्टर के जो भी कंपनी है, मतलब जो भी शेयर है, उसमें काफ़ी तेजी देखने मिला। ये स्टॉक देखते हैं 87 पैसे का हुआ करता था, वहाँ से ये वन साइडेड मूवमेंटम दिखाया और 1000% का रिटर्न दिया। तो जिन्होंने भी 1000% का रिटर्न प्राप्त किया उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो भी हायर प्राइस पर यहाँ 10 रुपीज़ पर फंसे हैं, उन्हें फिर से निकलने का मौका ये शेयर लग रहा है आपको दे सकता है, क्योंकि पिछले दिन इसमें अपर सर्किट लगा है। तो इसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, क्योंकि फार्मा सेक्टर के सारे स्टॉक जो छोटे छोटे स्टॉक थे, जो जितना छोटा स्टॉक उसमें उतना ज़्यादा मोमेंटम देखने मिला है। और अगर मैक्सिमम में बात करें तो इसने ये स्टॉक एक ही प्राइस पर लगातार ट्रेड कर रहा था, मतलब 1 रुपीज़ के आसपास, और यहाँ पर जो देखते हैं तेजी आया है तो डायरेक्ट ये आसमान की ऊंचाई को छू रहा है। तो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर आपको देखने मिला। तो कंपनी के फंडामेंटल्स पे आप ध्यान रखें, अगर कंपनी का फंडामेंटल्स आपको इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी गड़बड़ी दिखता है तो आप ऐसे स्टॉक से लगातार दूरी बनाए रखें, और इसमें ऐसे स्टॉक में जब भी पैनिक सेल्स में आप इन्वेस्ट करते हैं छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करें, छोटे अमाउंट से आप इन्वेस्ट करें। अगर चला स्टॉक तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा, अगर नहीं चला तो आपको का जो लॉस होगा वो बहुत ही मतलब छोटा सा अमाउंट होगा। अगर आप 1 लाख रुपया का पोर्टफोलियो रखते हैं तो आप 500 इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपका जो 10 लाख रुपीज़ का पोर्टफोलियो है तो आप 1000 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह का आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए जो पैन स्टॉक्स है उसमें। अगला हमारा स्टॉक है बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। बायोफिल केमिकल ये भी काफ़ी मतलब बेहतरीन रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कंपनी जो रिटर्न दिया 2019 में जो भी इन्वेस्ट किए होंगे तो उनको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न
7000% का रिटर्न मिला। अगर अक्टूबर 19 से लेकर के दिसंबर 2020 तक जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किए हुए रखा, ये 4-5 रुपीज का स्टॉक हुआ करता था और मतलब 10 रुपीज के आसपास, और वहां से जब वन साइडेड इसमें मोमेंटम आया तो ये स्टॉक गया 339 रुपीज तक। तो जो भी लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं उन्हें मैं बिल्कुल कहूंगा इस स्टॉक से अभी दूरी बनाए रखें, क्योंकि 10 रुपीज का स्टॉक अभी हो चुका है हमारा 300 रुपीज और वहां से वन साइडेड गिरावट देखते हैं, लोअर सर्किट इसमें लग रहा है और ये आ चुका है 200 रुपीज तक। तो ऐसे स्टॉक जब आपको लग रहा है कि फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, फंडामेंटल को देखते हुए अगर हम इसके इंट्रेंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करें, अगर इसका इंट्रेंसिक वैल्यू स्टॉक का जो प्राइस है उसके आसपास आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फंडामेंटल्स को कैलकुलेट करें और फंडामेंटल रूप से देखें इसका इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है शेयर का, अगर इंट्रेंसिक वैल्यू शेयर के प्राइस से मैच करता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो वेट एंड वॉच करें, क्योंकि आपका जो ये रैली है वो मिस हो चुका है। तो जो रैली आपने मिस कर दिया, जो ट्रेन आपने मिस कर दिया, उस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश ना करें। तो आपने इस रैली को मिस किया तो फिर आप वेट एंड वॉच कीजिए, अगर दोबारा मौका देता है ये नीचे के प्राइस पे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक देखते हैं वन साइडेड आपको 5-10 रुपीज से डायरेक्ट 300 रुपीज के ऊपर जा चुका है। तो अब आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि इससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। बहुत सारे स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट में, आपको बहुत सारे मौके मिल जाएंगे। जैसे अभी 3i इन्फोटेक में न्यूज आया है कि इसे नए प्रमोटर्स जो है ओवरटेक करने वाले हैं और कंपनी का फंडामेंटल्स भी धीरे धीरे सुधर रहा है, तो उस पर आप नज़र बनाए रखें और छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करते रहें। अगर कंपनी का फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छा हो जाता है तो आपको अच्छा खासा वहाँ रिटर्न प्राप्त होगा। तो जो शेयर में फंडामेंटल सुधार रहा है और जिसका शेयर का प्राइस काफ़ी नीचे है, आप उसमें रिस्क ले सकते हैं और छोटे अमाउंट से। उसके बाद हमारा अगला है जेनिथ कंप्यूटर। जेनिथ कंप्यूटर अभी आप इस शेयर में चाहे तो हमारी तरफ से कहेंगे आप इसमें 500 रुपये 1000 रुपये लगा सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन शेयर है। लेकिन ये स्टॉक दिखा रहा है कि काफ़ी दिनों से ट्रेड ही नहीं हो रहा है BSE पे भी और NSE पर भी, लेकिन ये स्टॉक में आपको इसलिए करें क्योंकि इसमें जो प्रमोटर्स का स्टेक है वही लगभग 90-95% है। मतलब इस कंपनी को लगभग ओपन मार्केट से जो शेयर है वो भी प्रमोटर्स ग्रुप के ही कुछ लोगों ने बाय कर चुका है, इसलिए भी आपको ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ नहीं दिख रहा। अगर ट्रेड होता है तो आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो पाइनी शेयर है एलसीड इन्वेस्टमेंट, आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये भी शेयर कभी कभी ट्रेड होता है, आपको कभी भी मिलता है तो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसका डब्बा बाजार में भाव बोले तो इसका है लगभग 2.5 लाख रुपया एक शेयर का, क्योंकि ये जो कंपनी है ये है एशियन पेंट का। तो दोस्तों इस कंपनी में कभी भी आपको मिलता है, मतलब इस कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो एशियन पेंट में है, जिसके कारण इसका जो एक्चुअल प्राइस लगाया जा रहा है वो काफी हाई है और एक्चुअल प्राइस के अनुसार इस शेयर का वैल्यू होना चाहिए लगभग 1 लाख रुपीज और ये शेयर आपको 15 रुपीज पर ईयर डिविडेंड भी देता है। इसीलिए ये स्टॉक कभी भी गिरावट पर आपको मिलता है तो जरूर आपको बाय करना चाहिए। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट शेयर और कुछ इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।